स्टेज ते बैठे तेरे बुजुर्ग मलिक जावेद अवान साहब, जनाब मलिक आसिफ बा साहब, मोहतरम हाजी मलिक फजल इलाही साहब, जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद साहब, मोहतरम मलिक शबीर साहब, दीगर सारे साढ़े बुजुर्ग भाई इस तकरीब के मेजबान हाजी मलिक मुमताज साहब, साढ़े भाई मलिक खुदादाद साहब, दीगर इस पिंडाल मौजूद मेरे बुजुर्गो भाईयो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं सब तो पहले दे नली दे तमाम बिरादरियां दे बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का बड़ा शुक्रिया अदा करदा कि खास तौर ते हाजी मलिक मुमताज साहब का, मलिक खुदादाद साहब का, कि उन्होंने ये खूबसूरत इकट्ठ रखिया ते सानू बुलाया। तुसी जानते हो कि 8 फरवरी इंशाल्लाह इलेक्शन का दिन है, तो बड़ी खुशी हुई जिस तरह हाजी मोहम्मद साहब गल कीती कि तुसी सारे समझो कि साडा अपना इलेक्शन है। तो भाई खुदादाद साहब जिहड़ा साडे वास्ते जो साढ़े खानदान वास्ते गल की, मैं शुक्रिया अदा करदा, मशकूर हाँ। ते बिल्कुल ही हकीकत है कि तुहाडा साडा कोई अज दा ही तालुक या रिश्ता नहीं, ये बुजुर्गों तो आ रहा। तो मैं समझदा कि पदराड़ नली जिला खुशाब ते वादिये सून ते दामन मुडाड़ वस्पे दे हवाले नाल, संगत ते कबीले दे हवाले नाल एकन, ते इन्हां दी रवायात बड़ी कदीम हन, ते अल्लाह दे हुक्म नाल ते अल्लाह मेहरबानी नाल ये सिलसिला इसी तरह शुरू तो आ रहा, ते इंशाल्लाह ये कायम दायम रासी। भाई खुदादाद गल कीती के तुहाडा साडा एक फैमिली दा रिश्ता बिल्कुल, ते भाई खुदादाद मैं तुहानू यकीन देवांगा इंशाल्लाह असे हुण मतलब 50+ हां, ते इंशाल्लाह आइंदा भी साथ ते हमजा भी मेजर साहब ने उसी तरह तल्लुक कायम रख सन इंशाल्लाह, सिलसिला इंशाल्लाह कायम और दायम रासी। इत्थे गल हुई कि मैं पहली दफा इस हल्के च आया, ये बिल्कुल ठीक है कि मेरे वास्ते ये हल्का बिल्कुल नवा हल्का इंतखाब जेड़ा, लेकिन यकीन करो जिसले बंदा अपने घर च आवे तो सा कितनी खुशी होंदी ये मेरे तो ज्यादा उसी आप समझ सकते हो। तो मेरे वास्ते बड़ी खुशी का मौका भी है, खुशी का लम्हा भी है कि मैं अपने हल्के विच जेड़ा मेरा अपना घर है तो मैं उस आ रहा। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद है कि जिस तरह तुसी माजी विच अलाज मलिक करम बख्श अवान साहब, मलिक मोहम्मद बशीर अवान मेरे वालिद मोहतरम,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਮਲਿਕ ਜਾਵੇਦ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਲੀ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਜੀਰਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਆ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਪਜੀਰਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਇਲਾਕਾ ਥਲ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖਾਦੇ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂਰਪੁਰ ਕੋਈ ਗਿਰਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਚ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ